संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्व एसपी विधायक के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। विधायक के बेटे समेत 5 पर केस दर्ज हुए हैं। 50 से 60 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। बगैर इजाजत चुनावी सभा करने का आरोप लगा है। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का भी आरोप है। गुन्नौर के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। बगैर इजाजत चुनावी सभा करने का इन पर आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को फटकार लगाई है। आयोग ने उसे कोविड गाइडलाइन तोड़ने का दोषी पाया है। दरअसल 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में शामिल होने के मौके पर लखनऊ स्थित एसपी ऑफिस में भारी भीड़ जमा हुई थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने ऑफिस में भारी भीड़ जमा कर समाजवादी पार्टी ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया। आयोग ने कहा है कि गाइडलाइन उल्लंघन का यह पहला मामला है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को सलाह दी है कि वो भविष्य में गाइडलाइन पालन को लेकर सतर्क रहे। इस बीच अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। दिल्ली में वो बीजेपी में शामिल होंगी। इसे मुलायम परिवार में बीजेपी की बड़ी सेंध माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के अपने घर में इस वक्त बहुत कुछ अलग चल रहा है। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के भविष्य की चिंता कर रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दल बदल के बीच में कैसे गरमा रही है यूपी की सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए जरा। मुलायम परिवार में बीजेपी की सेंध। साइकिल छोड़ कमल के साथ अपर्णा। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। जी हां, मिशन 2022 से पहले समाजवादी पार्टी को सदमा सा लग गया है, और सदमा किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने ने ही दिया है। वो है मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो आज बीजेपी में शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता लेंगी। इसकी पुष्टि बीजेपी नेता अरुण यादव ने ट्विटर पर दी। हालांकि अखिलेश यादव ने सोमवार को अपर्णा को लेकर सवाल के जवाब में कहा था कि ये हमारे घर का मामला है, सुलझा लेंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? अखिलेश यादव का ये दावा पूरी तरह से फेल हो गया। अपर्णा ने अब अपना मन बना लिया है, और इसकी वजह बताई जा रही है कि वो लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर क्या था, तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद उन्होंने परिवार से ही बगावत का फैसला कर लिया। 16 जनवरी को न्यूज 18 से बात करते हुए चाचा शिवपाल यादव ने अपर्णा को नसीहत दी थी। देखिए, अभी तो उनको बहुत सीखना पड़ेगा। एकदम सब नहीं मिलता है। जब भी कहीं पर भी पार्टी में जहाँ पर भी है, कुछ दिनों काम करना चाहिए। मैंने तो हमेशा देखिए ये सोचा है कि पहले तो काम करूँ, काम करने के बाद जरूर मिलता है। चाचा शिवपाल सीखने की बात कह रहे थे, लेकिन अपर्णा ने तो परिवार को ही बहुत कुछ सिखा दिया। दरअसल अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ये वही रीता बहुगुणा जोशी हैं जो इस बार लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांग रही हैं, और इसके लिए राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। कि एक परिवार से एक ही होगा, तो रीता बहुगुणा जोशी उनके मार्ग की बाधा बन गई। तो मैंने ये पत्र एक माम लिखा है विनम्रता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि यदि ये अड़चन है तो मैं तो पहले ही घोषणा कर चुकी हूँ कि मैं 2024 में चुनावी राजनीति से संन्यास लूंगी, तो मैं पहले ही संन्यास ले लेती हूँ। मुलायम परिवार की बहू बीजेपी में शामिल हो रही है वाकई बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी थोड़ी टेंशन जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि रीता अपने बेटे के लिए
लखनऊ कैंट सीट मांग रही हैं, तो अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी इसीलिए छोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट ना मिलने की आशंका थी। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में सियासी समीकरण कितने और किस तरह बदलते हैं, क्योंकि चुनाव है तो सियासी रंग दिखने तो लाजमी है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकटों के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। पार्टी पिछले कई दिनों से दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन कर रही है और उम्मीदवारों के बारे में मिले फीडबैक और गहन समीक्षा के बाद ही पार्टी टिकट देगी। माना जा रहा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यूपी के उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला हो सकता है। इससे पहले कल भी करीब 5 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें गोरखपुर और काशी क्षेत्र के टिकटों को लेकर चर्चा हुई है। तो टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर फैसला संभव है। पार्टी कई दिनों से लगातार मंथन कर रही है। विधानसभा चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी आज से एक अनोखा अभियान चलाने जा रही है। वो मुफ्त बिजली को लेकर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर रही है। इसमें कहा गया है कि जिन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए वो अपना नाम रजिस्टर कराएं। इस अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से फॉर्म भरवाएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब ममता बनर्जी की भी एंट्री होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस यहां से चुनाव तो नहीं लड़ेगी, लेकिन विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी पहले चरण के चुनाव के पहले लखनऊ आएंगी। अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ आएंगी और समाजवादी पार्टी के समर्थन में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वो एसपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी पहले ही अखिलेश यादव को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी हैं। कुछ अन्य राज्यों के नेता भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देने लखनऊ आ सकते हैं, ताकि बीजेपी को सत्ता में वापसी से रोक सकें।